गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं आज मैं रेडी वेडी हो गई अच्छे से। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके बताइएगा। रात के बज रहे हैं 12:30 और आज हम लोग फिर से जा रहे हैं दुर्गा पूजा। और आज ना हम लोग बहुत ज़्यादा दूर जाने वाले हैं। दूर मतलब जहाँ दूर दूर लगे हैं बड़े बड़े पंडाल, वहाँ जाएंगे। और वीडियो में बने रहिएगा। सब लोग रेडी हो चुके हैं और नींद भी बहुत आ रही, बट क्या करें, घूमना है। आज अष्टमी हो गई, कल नौमी। आज अच्छे से हम लोग घूमेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, क्योंकि परसों हम लोग अच्छे से घूम नहीं पाए थे क्योंकि नाइट शिफ्ट था। तो आज हम लोग ने डिसाइड किया कि रात में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा कितना भीड़ रहेगा रात के 2 बजे 3 बजे, पूरा सुबह तक भीड़ लगी रहेगी। तो आप लोग वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा और लोकेशन में पहुंच के ही बात करते हैं। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, कैसे कितने बड़े पंडाल हैं, कहां कहां हम लोग गए, कैसे एंजॉय किए। फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और मेरे साथ है मेरी फ्रेंड, इनको तो आप जानते ही होंगे, इनको तो जानते ही होंगे आप लोग। ये भी रात में जगी हुई है, ये भी जगी हुई है। रात के कितने बज रहे हैं? 1:30 बज रहे ना। क्या हुआ, हेलो बोल दो सबको। हाय। चलो अब चलते हैं अंदर हम लोग और आप लोगों को भी दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। गाइज हम लोग ये बागबेड़ा के पंडाल में आए थे। ये पंडाल बहुत ही खूबसूरत बना था, मतलब जब उन्होंने इसको देखा तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा पंडाल था, इसमें जो भी डेकोरेशन की गई थी सब कुछ मिट्टी से बनाया गया था। हैंडमेडेड थे ये, और सूप डलिया ये सब जो चीज़ें होती ना उनसे इनको डेकोरेट किया गया था। पंडाल बहुत ही खूबसूरत था। और ये माता की मूर्ति, ये दुर्गा माता की मूर्ति जब मैंने देखी तो मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, कितनी सुंदर मूर्ति है। और वाकई में बहुत मेहनत की गई है इस पंडाल को बनाने के लिए। जब भी दुर्गा पूजा आती है हर साल यहाँ कंपटीशन होते हैं किस एरिया का पंडाल सबसे अच्छा पंडाल था। यहाँ हम लोग आए हैं, मतलब यहाँ की जो पंडाल की बात है सबसे अलग है, यूनिक है। सब मतलब मिट्टी से एकदम स्टैचू बने हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पंडाल है, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सब स्टैचू बने हैं, घोड़ा वगैरह सब बने हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है हर जगह से। अभी जहाँ मैं गई हूँ जितने पंडाल हम लोग घूमे, सबसे अच्छा ये पंडाल अभी तक का लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको यूनिक चीज दिखाती रहूँगी। हर एरिया के क्लब मेंबर्स और कारीगर मिलके इतना सुंदर बनाते हैं पंडाल को। आप जैसे देखेंगे तो आपको रियल लगेगा कि हम रियल मंदिर में आ गए। और मूर्ति वगैरह सब कुछ इतनी सुंदर होती है कि तारीफ़ करते करते इंसान थक जाता है, क्योंकि कंपटीशन जो पंडाल का है वो कंपटीशन होता है। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड का प्राइज़ होता है, इसलिए सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं। जो आप ऊपर डेकोरेशन देख रहे हैं, झूमर लगा हुआ वो ओरिजिनल झूमर है, और बाकी जो डेकोरेशन किया हुआ है सारा ये सब कुछ थर्माकोल से बनाया गया है और उसके ऊपर पेंट किया गया है। ये मेहनत है जो इतना बढ़िया रिजल्ट देती है। इस चीज़ के लिए तो भाई तारीफ़ करना बहुत बनता है। मूर्ति बहुत ही खूबसूरत थी। जितने भी लोग आ रहे थे, रात को 3 बज रहा था और आंखों में नींद नहीं थी किसी के, सिर्फ पंडाल को देखने की चाह थी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पंडाल गए थे, यहाँ इतनी भीड़ थी, सुबह के 3 बज रहे थे और लग रहा है कि कोई मंदिर में हम लोग सुबह पूजा करने जैसे जाते हैं कभी कभी, तो ये वैसा लग रहा था दृश्य। अंदर से मूर्ति इतनी सुंदर थी, सब कुछ मिरर वर्क लगा हुआ था मूर्तियों में, हवन हो रखा था। और आप देख सकते हैं पंडाल में जितना भी डेकोरेशन है, जो भी इसको डिज़ाइन किया गया है, सब कुछ मिरर वर्क में इसमें मेहनत की गई है लगाकर। और 15 दिन में इतना सुंदर
बना के दिया है, ये तो आपको देख के पता ही चल रहा होगा। मैं तो देखती ही रह गई थी, हर एक चीज़ दीवार पे उन्होंने, कुछ कुछ चीज़ें थी जो फाइबर की थी, वुड की थी, प्लस उसमें मतलब इतना सुंदर, कोई आप अगर कभी देखेंगे तो जो रियल मंदिर की दीवारें होती है उस पर इतना सुंदर काम नहीं होता है, जो ये टेम्परेरी बनाया गया है सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए, तब इतना सुंदर है। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ दूरी पर बहुत सारे पंडाल हैं, मतलब एक दिन में आप ये पूरा नहीं कर सकते हैं, आपको 3-4 दिन लगते ही हैं। हर रोड हर जगह पे बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। ये नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पहुँचे, ये भी बहुत खूबसूरत था, मतलब एक थीम बेस होता है, जो भी पंडाल बनते हैं वो थीम बेस पर बनते हैं। कहीं पे अभी चंद्रयान हमारा लॉन्च हुआ था तो अभी चंद्रयान बेस पर बना था, कहीं पे केदारनाथ था, कहीं पे बद्रीनाथ था, ये सब थीम पे बनते हैं और बहुत मेहनत की जाती है इनमें। मूर्तियों के लिए अलग कारीगर होते हैं जो पहले से ऑर्डर देकर मूर्तियाँ बनवाते हैं। और क्या ही मैं बताऊँ, जो पंडाल पे जाइए आप, जिस भी पंडाल पे आप जाएंगे उस पे आपको कुछ ना कुछ नया और यूनिक देखने को मिलेगा। कोलकाता पास में ही है तो हमारे जमशेदपुर में भी बहुत अच्छे होता है। ये जो पंडाल था ये पूरा परी बेस, परी थीम पर था, जिसमें एक यूनिकॉर्न था, परी थी, पूरा सब कुछ थर्माकोल से और प्लस नैपकिन से बनाया गया था। देख के लग ही नहीं रहा था कि नैपकिन से बनाया गया है। यहाँ पे आप बर्ड देख रहे, पूरा पंडाल आप देख रहे, ये सब कुछ नैपकिन से ही बनाया गया है। सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी ये सब छोटी छोटी चीज़ों को रियल एकदम दिखाने के लिए। और जो भी चीज़ें होती हैं सब यूज़ वाली, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जैसे नैपकिन वगैरह, डलिया वगैरह, ये सब चीज़ों से बनाया गया है। ये वाला जो पंडाल बना हुआ है यहाँ पे, ये थीम है कि घाटशिला से टाटा नगर के लिए एक ट्रेन आ रही है, उस थीम पर बना हुआ था ये। और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है सब चीज़ें। अंदर में मूर्ति भी बहुत प्यारी थी, पंडित जी अपना पूजा कर रहे थे, जितना भी चढ़ावा चढ़ा था आप देख सकते हैं। जमशेदपुर में या कलकत्ता में ये सब चीज़ें बहुत ही फेमस है, मतलब आप ये देखेंगे कि 3-4 दिन रात में इंसान सोता ही नहीं है। ये केदारनाथ पे था, केदारनाथ पे बना हुआ है ये थीम। और जैसे ही मैंने ये मंदिर देखा मुझे इतना सुंदर लगा, मतलब मुझे क्या, आपको भी बहुत पसंद आया है, आप देखिए आपको भी पसंद आएगा। डेकोरेशन देखिए, कमाल देखिए, छोटी छोटी बारीकियां देखिए, मतलब मैं तारीफ़ करते थक नहीं पा रही हूँ, मतलब इतना सुंदर है। और मूर्ति वगैरह भी सोचिए काबिल तारीफ़ है। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे, फ़ोटोज़ बना रहे थे। ये हमारा लास्ट पंडाल था, फिर बीच में गए थे हम लोग मूर्ति वूर्ति देखने के लिए और जगह भी, उतना कुछ खास नहीं लगा तो मैंने उसका शूट नहीं किया। जो मुझे यूनिक लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे, मतलब बहुत लोगों को वीडियो बनाना होता है सबको, कोई अपने रील्स बना रहे थे, कोई वीडियो शूट कर रहे थे, तो सब यहाँ पे देखिए। मैं आपको पूरा हर तरफ से ये मंदिर का लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं तो एकदम शॉक थी, मतलब इतना सुंदर, एकदम रियल लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ से अपने घर आने की तैयारी करते, चाय पीते, फिर हम लोग घर आ जाते हैं।